हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका के बीच खेले जाने वाले वर्ल्ड कप 2023 के नेक्स्ट मुकाबले के बारे में, जो कि खेला जाने वाला है 26 अक्टूबर को दोपहर में 2 बजे से। फ्रेंड्स, मुकाबला कहां पर खेला जाएगा? मुकाबला होगा एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु के ग्राउंड पर। फ्रेंड्स, क्या यहां दोनों टीमों की प्लेइंग 11 इस मैच में उतर सकती है? किस तरह का यहाँ का पिच रिपोर्ट हो सकता है? क्या हम स्पिनर को लेकर चले या फिर पेसर को हम ज्यादा लेकर चले? सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली, तो प्लीज वीडियो के साथ बने रहिएगा। उससे पहले फ्रेंड्स, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से। अगर आपने अभी तक हमें टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया है, तो टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जाकर आप हमें टेलीग्राम पर जरूर से फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम पर आपको फाइनल टीम के साथ फ्री एंट्री रोजाना मिलती है। तो फॉलो करना, लेकिन जो लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसी लिंक से आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कीजिएगा। डायरेक्टली सर्च मत करना, वरना किसी भी फ्रॉड ग्रुप में आप ऐड हो सकते हो। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मेरे नाम से सेम प्रोफाइल बना रखी है। इस बात को भी आप नोट कर चलिएगा। इसीलिए मैं जो लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, उसी लिंक से आप हमें फॉलो कीजिएगा। अब आप देखोगे पिच रिपोर्ट की हम बात करें, ग्राउंड स्टेट्स की हम बात करें, टोटल 24 मुकाबले इस ग्राउंड पर अभी तक खेले गए हैं। उसमें से 11 मुकाबले पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं, जबकि 12 मुकाबले बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं। एवरेज स्कोर की बात करें तो फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 270 का है, मतलब अच्छी बल्लेबाजी, अनुकूल विकेट नजर आती है। हाईएस्ट 383 का बना है, हाईएस्ट भी काफी अच्छा है। लोएस्ट यहां पर 166, ज्यादा लो भी यहां पर नहीं बना है। स्कोरिंग पैटर्न आप देखोगे, 200 से कम रन हमने अभी तक यहां पर 2 बार देखे हैं, 200 से 249 के बीच में 9 बार स्कोर बना है, 250 से 299 के बीच में 4 बार स्कोर बनाए, और 300 से ऊपर 9 बार हमने यहां पर स्कोर देखा है। बात कर लेते हैं हम यहां पर रिसेंटली जो मुकाबले हुए हैं, बहुत कमाल के मुकाबले खेले गए रिसेंटली यहां पर। स्कोर आप देखो, 367, 305, 286, 299, 334, 313, 383, 326, तो कहने का मतलब पूरी तरह से बल्लेबाजी अनुकूल विकेट हमें नजर आता है। पेसर ने इनमें 37 विकेट निकाले, जबकि आधे विकेट लिए हैं वो, लगभग आधे विकेट लिए हैं स्पिनर ने, वो 18 ही लिए हैं, तो मतलब पेसर को ज्यादा मदद मिलती है। हेड टू हेड के दो मुकाबले दोनों टीमों के बीच में अभी तक 11 खेले गए, ज्यादा कोई बड़ा फर्क नहीं है। उसमें 6 मुकाबले इंग्लैंड ने जीते हैं, 5 मुकाबले श्रीलंका ने जीते हैं, जबकि रिसेंट फॉर्म श्रीलंका की थोड़ी सी खराब है। पिछले 5 मुकाबलों में सिर्फ 1 ही मुकाबला श्रीलंका ने जीता है, जबकि अगर मैं बात करूं इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड ने भी 1 ही मुकाबला जीता है। तो मतलब कड़ी टक्कर का मुकाबला, ऐसा नहीं कह सकते हो कि इंग्लैंड की टीम ज्यादा दावेदार है जीतने के लिए। दोनों टीमों का रिकॉर्ड के आधार पर तो कह सकते हैं एक अच्छी टक्कर का मुकाबला देखने को मिल सकता है। इंग्लैंड की टीम से आप देखोगे, पॉसिबल प्लेइंग 11 की मैं बात करूं, डेविड मलान है, जॉनी बेयरस्टो, बेस्टर, जोए रूट, बेन स्टोक्स, हैरी ब्रूक, जोस बटलर, सेम करण इस मैच में खेल सकते हैं, फिर डेविड विली, एडिल राशिद, जी एटकिंसन और मार्क वुड। तो ये प्लेइंग 11 आपको देखने को मिल सकती है इस मैच में इंग्लैंड की ओर से। स्टार्टिंग और लास्ट ओवर गेंदबाजों के बारे में बात करें तो रिस टोपली, हालांकि फ्रेंड्स अभी जो न्यूज आ रही यहां पर साइड में चेंज करने का बोल गया, और रिस टोपली की जगह सेम करण इस मैच में खेल सकते हैं, तो यहां पर इनको आप सेम करण ही मानकर चलिएगा। सेम करण, डेविड विली और जी एटकिंसन आपको स्टार्टिंग के ओवरों में खेलते हुए नजर आ सकते हैं, लास्ट के ओवरों में जी एटकिंसन, सेम करण, ये सेम करण मान के चलिएगा, क्योंकि रिस टोपली मेरे हिसाब से इस मैच में नहीं खेलेंगे। वहीं पर मार्क वुड, ये आपको लास्ट के ओवरों में खेलते हुए नजर आ सकते हैं, गेंदबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं। फिर हम बात करें कुछ प्लेयर स्टेट्स के बारे में। डेविड मलान के बारे में बात करें, बेहतरीन लय में है डेविड मलान, 6 रन 32 रन, हालांकि 2 अच्छा स्कोर नहीं आया था, फिर 140 रन की पारी खेली, फिर 14 और 4, फिर 127, फिर 96 और 54, मतलब अच्छी लय में, ऐसा नहीं कहेंगे कि खराब लय में, एवरेज प्रदर्शन हम कह सकते हैं। 2023 में इनका 65 का एवरेज रहा है। जॉनी बेस्टो 10 रन 2 रन, 52 33 34 13 0 6 73, मतलब एवरेज प्रदर्शन। फिर हम बात करें यहाँ से जोए रूट के बारे में, जोए रूट आप देखोगे 2 रन 11 रन प्लस 1 विकेट, 82 77 26। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जोए रूट ने लास्ट मैच में गेंदबाजी भी की थी, उससे पहले भी गेंदबाजी की थी, कहने का मतलब तो जोए रूट कभी भी गेंदबाजी कर सकते हैं, इस बात को भी नोट करके चलिएगा। बेन स्टोक्स की बात करें, 5 182 1 और 52, ज़्यादा मैं फोकस इस वीडियो में नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड्स, तो फंक्शन वगैरह भी है तो थोड़ा वीडियो में शॉर्ट में ही कवर कर रहा हूँ, बाकी आपके हिसाब से आप देख लीजिएगा। हैरी ब्रुक की हम बात करें तो हैरी ब्रुक आप देखोगे 17 20 17 6, पिछले कुछ मुकाबलों में बड़ी पारी नहीं आई है इनके बल्ले से। फिर जोस बटलर 15 9 20 43 30 36, मतलब एवरेज प्रदर्शन कह सकते हैं। सेम करण की बात करें, 10 रन 0 विकेट 11 रन 1 विकेट, 14 रन 0, कोई अच्छा काम इन्होंने रिसेंटली नहीं किया है। डेविड विली की बात करें, 11 रन 0 विकेट 2 विकेट 3 विकेट 1 विकेट और 2 विकेट, डेविड विली फिर भी अच्छा काम कर रहे हैं।
एडिल राशिद सबसे कंसिस्टेंट गेंदबाज है फिलहाल टीम के, 2 विकेट 3 विकेट 1 विकेट 15 रन और 2 विकेट हर मैच में एक मान के चल सकते हो अच्छे पॉइंट दे रहे हैं। जी एटकिंसन ने भी मतलब कह सकते हैं एवरेज काम किया है, 2 विकेट 0 0 1 विकेट 0 और 2 विकेट। फिर हम बात कर लेते हैं यहाँ से मार्क वुड के बारे में, तो आप देखोगे 43+0 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 13 रन+0 विकेट, मतलब एवरेज प्रदर्शन इनका भी रहा है। फिर हम बात करें श्रीलंका की टीम से, श्रीलंका की टीम से आप देख सकते हो कुशल परेरा है, पथुम निशंका, कुशल मेंडिस, समर विक्रम अच्छी लाइन में है, सी असलंका, धनंजय डी सिल्वा, डी हेमंता, चमिका गरुरत्ने, महेश दीक्षाना, कसूर अजीता और दिलचान मधुशंका, तो ये आपको देखने को मिल सकती है प्लेइंग 11 श्रीलंका की। स्टार्टिंग के ओवरों में मधुशंका, कसूर अजीता और लहरू कुमार आपको गेंदबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं। लास्ट के ओवरों में भी डी मधुशंका, लहरू कुमार और करुरत्ने आपको गेंदबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं स्टेट्स ज़्यादा डीपली कवर नहीं कर रहा हूँ, शॉर्ट में ही कवर कर रहा हूँ। तो कुशल परेरा 5/78, 0/7, 34/0, 17/31 एवरेज प्रदर्शन हम कह सकते हैं। पथुम निशंका ने रिसेंटली मुकाबलों में 54/61 मतलब 3 अर्धशतक आए हैं पिछले 3 मुकाबलों में, बेहतरीन लय में है। कुशल मेंडिस की हम बात करें 11/9, 122/76, 158/22 बेहतरीन फॉर्म में है कुशल मेंडिस। एस समर विक्रमा 91/8, 108/23, 16 बेहतरीन फॉर्म में है समर विक्रमा श्रीलंका की टीम से। सी एस अलंका ने भी बेहतरीन काम किया है पिछले कुछ मुकाबलों में, 44/25, 1/79, 12 रन 0 विकेट 18 रन, मतलब रिसेंटली की बात करो अच्छा काम कर रहे हैं। धनंजय डिसिल्वा थोड़े से आउट ऑफ फॉर्म दिखे हैं पूरे ही टूर्नामेंट में। डी हेमंता की बात कर लेते हैं, कोई खास प्रदर्शन नजर नहीं आता। सी करुवत ने इनका भी कोई खास प्रदर्शन मुझे नहीं दिखता है। फिर हम बात करें यहाँ से एम तिक्षाना के बारे में, टीम के सबसे कंसिस्टेंट गेंदबाज है, अच्छे खासे विकेट तो नहीं कहूँगा लेकिन हाँ विकेट जरूर मिल रहे हैं। फिर कसू नजीता 4 विकेट 1 विकेट 0/0, 4/0/1 एवरेज प्रदर्शन। फिर हम देखें यहाँ से दिलचान मधुशंका के बारे में, तो भैया सबसे कंसिस्टेंट गेंदबाज हैं अभी फिलहाल श्रीलंका टीम के। तो चलिए मेरी टीम देख लेते हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले विकेट कीपर सेक्शन में, तो विकेट कीपर सेक्शन में मैं 3 बल्लेबाज लेकर चलूंगा, कुशल मेंडिस को, जोस बटलर को और जोनी बेस्टर को। हालांकि समर विक्रमा अच्छी लय में है, आप चाहें तो लेकर चल सकते हैं। 4 ही मैंने बल्लेबाज लिए हैं, बेन स्टोक्स को मैंने लिया है, जोय रूट को लिया है, पथुम निशंका को मैंने लिया है और डेविड मलान को मैंने अपनी टीम में जगह दी है। ऑलराउंडर फिलहाल मैंने एक ही लिया है, वो लिया है यहाँ से डेविड विली को। हाँ आपके पास जो ऑप्शन है धनंजय डिसिल्वा का ऑप्शन है, फिर हम देखें यहाँ से तो कोई खास ऑप्शन नजर नहीं आता। सेम करण इस मैच में खेल सकते हैं, खेलते हैं तो आप अपनी टीम में पिक कर सकते हो चेंजेस करके। 3 मैंने गेंदबाज लिए हैं, मार्क वुड को मैंने लिया है, एडिल राशिद को मैंने लिया है और मैंने लिया, जैसा कि मैंने बताया रीश टोपली बाहर हो चुके हैं, तो यहाँ से मैंने जो 3 गेंदबाज लिए हैं, एक तो मार्क वुड हो गए, दूसरा एडिल राशिद हो गए और तीसरे जो गेंदबाज होंगे मेरे वो होंगे एटकिंसन। हाँ सेम करन खेलते हैं तो इनकी जगह सेम करन को अपनी टीम में पिक कर सकते हो, या फिर एक विकेट कीपर कम करके आप सेम करन को लेकर चल सकते हैं। कप्तान और कप्तान की बात कर लेते हैं, तो कप्तान जो मेरे होंगे वो होंगे जोय रूट, क्योंकि एज ए ऑलराउंडर खेल रहे हैं गेंदबाजी भी कर सकते हैं। उप कप्तान मेरे होंगे वो होंगे डेविड मलान। हाँ कोई भी चेंजेस करूंगा मैं आपको टेलीग्राम पर बताऊंगा टॉस के बाद में। तो चलिए टीम का प्रीव्यू देख लेते हैं। तो दोस्तों मेरी जो टीम है कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिलेगी। हाँ माई मास्टर 11 ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो इस ऐप की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर लीजिए, फ्री एंट्री मिल जाएगी, वो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर लीडर बोर्ड में कार, आईफोन, बाइक बहुत सारे प्राइजेस है, वो भी आप जीत सकते हो इस ऐप की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। और ये टीम आप काफ़ी ऐप पर यूज़ कर सकते हो, सेम ही टीम बनती है। तो टीम देख लेते हैं, कुशल मेंडिस को मैंने लिया है, बटलर को मैंने लिया है, जॉनी बेस्टो को मैंने लिया है, पथुम निशंका हो गए, बेन स्टोक्स, जोय रूट और यहाँ पर डेविड मलान। फिर यहाँ से डेविड विली को मैंने लिया है, मार्क वुड मेरी टीम में आ गए, एडिल राशिद, जी एटकिंसन, सेम करन इस मैच में खेलते हैं, एटकिंसन की जगह आप सेम करन ले सकते हो या बेन स्टोक्स की जगह हो गए, या फिर आपके हिसाब से थोड़ा बहुत चेंजेस करके आप बेन स्टोक्स सेम करन को अपनी टीम में पिक कर सकते हो। कप्तान जोय रूट होंगे मेरे, उप कप्तान मैंने बनाया है डेविड मलान को। फाइनल मेरी जो भी टीम होगी मैं आपको टेलीग्राम पर दूंगा, टेलीग्राम के लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसी लिंक से फॉलो करना, सर्च करके मत करना क्योंकि काफ़ी लोगों ने मेरे नाम से सेम प्रोफाइल बना रखे हैं, सेम चैनल बना रखे हैं, इसीलिए जो लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसी से आप फॉलो कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।